सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। अभी अराउंड 6 o'clock हो रहा होगा, तो मैं आज 6 बजे उठ चुकी हूँ। तो सारा काम करना है, झाड़ू पोछा से लेकर घर का जो भी काम है वो, और मंदिर की सफाई करनी है और नवरात्रि की पूजा भी करनी है जी। और अभी बेबो तो सोए हुए हैं, सो मैं तो उठ गई हूँ, तो फटाफट से काम करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज की हमारी नवरात्रि कैसी रही है। तो आप लोग हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए, ठीक है। सो गाइस, अभी बच्चों के साथ तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है, नहा लिया है। सबसे बड़ा टास्क था मेरा नहाना, क्योंकि यहाँ पे सुबह बहुत ठंडा पानी आता है, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ से पानी निकाला हो। सॉरी, मतलब फ्रिज से ठंडा पानी निकाला हो, इतना ठंडा पानी आता है। सो अभी मैंने फटाफट नहा धो लिया है, तो मेरी आधी जो है मंदिर की सफाई हो चुकी है। ये देखिए, अब थोड़ी मंदिर की सफाई हो चुकी है, भी रखना है मंदिर में। सो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए, और वहाँ से थोड़े फूल भी ले आऊँगी, रास्ते से फूल मिलेंगे तो फूल भी ले आऊँगी। सो आपको मिलती हूँ मैं तब बाहर। गाइस, मैं मार्केट से सामान, मतलब शॉप से सामान तो लेके आ गई हूँ, पर अभी मैं थोड़े फूल तोड़ने जा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कैसे कैसे रास्ते से जा रही हूँ। ये देखो, देखते हैं फूल मिलते हैं कि नहीं। थोड़े तो मिल गए हैं, थोड़े और तोड़ लेती हूँ। देखो, फाइनली गाइस, मुझे फ्लावर्स फूल मिल चुके हैं, तो मैं फटाफट से इनको तोड़ती हूँ और उसके बाद घर जाती हूँ। सो फाइनली मैंने फूल वूल सब कुछ तोड़ लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ घर को फूल लेके। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे रास्ते से आई हूँ। सो ये देखिए रास्ता, वो सामने मेरा घर है, देखिए। सुबह सुबह मेरी वॉक हो गई अच्छी खासी आज। मैं घर पहुंच चुकी हूँ सारा सामान लेके और फूल वूल लेके। अब मैं फटाफट से मंदिर को थोड़ा डेकोरेट करूंगी, और अभी मैं गैस पे रख देती हूँ खीर, तब तक खीर भी बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी छोले, और फिर मैं इन लोग को उठाती हूँ क्योंकि मजे से सोए हैं दोनों। फाइनली फाइनली मेरी मंदिर की जो है पूजा, मतलब डेकोरेशन जो भी मैंने किया है वो हो चुका है। कलर्स भी मैंने रख दिए, अब बस ये लोग उठ जाए उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो ये देखो, आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ और फिर इन लोग को उठाती हूँ, ठीक है, बाय। सो गाइस, जे को उठाने का बेस्ट तरीका है चाय लेके जाओ बेड पे उनके लिए, तो वो उठ जाएंगे। तो मैं फटाफट से उनको उठाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं। सो फटाफट इन लोग को उठाती हूँ और फिर बताती हूँ आपको आगे क्या होगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। सो गाइस, मुझे आपको मैंने बोला था ना, जे को उठाने का एक ही तरीका है, चाय लेके चले जाओ बेड पे, वो उठ जाएंगे। तो ये महाजन उठ चुके हैं, 8:30 हो गया है। इन्होंने मुझे टाइम दिया था 8 बजे तक सब कर लेके तो मंदिर लेके जाऊंगा। सो अब उनके ऊपर है, अभी लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये देखो, छुटकी अभी तक सोई है हमारी, इसे थोड़ी देर सोने देते हैं तो हम फटाफट आगे का काम कर सकते हैं। तब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो गाइस, फाइनली सब लोग उठ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, हमको शायद थोड़ा लेट हो गया है, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत लेट तो चलता है। अब हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। वाओ, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। ये देख, ये दोनों भी रेडी हो चुके हैं। उसके बाद बोलो, वाओ, अब हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
सो गाइस हम आ गए हैं यहाँ मंदिर में। आप देख सकते हैं भाई कितना प्यारा मंदिर है। और ये हमने यहाँ का प्रसाद मतलब फूल और बत्ती ले लिए। निकल चप्पल यहाँ उतार दी, वहाँ की नहीं उतारी। देखो गाइस कितना प्यारा मंदिर है, अंदर से भी बहुत प्यारा मंदिर है। अब अंदर जाते हैं मंदिर में। डीबू डीबू सोच रही कहाँ आ गए हम। तो गाइस आप देख सकते हो भाई कितना प्यारा मतलब आर्ट बनाया हुआ है। देखो ये देखो भाई कितना प्यारा, सब कुछ ऐसा लग रहा है रियल सा है। ये देखिए आप ऊपर छत में भी भाई भगवान की फ़ोटो बनाई हुई है, कितना प्यारा लग रहा है। जो साउथ के मंदिर होते हैं भाई रियली आप बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ के मंदिरों में घूमने में बहुत मज़ा आता है। मंदिर तो सब जगह के अच्छे होते हैं, बट यहाँ ये लोग जो मतलब देखो हर जगह आपको दिखेगा कि अलग ही मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें इनकी। ये देखो अपनी पुरानी सभ्यता को बनाए रखते हैं। ये देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और निक्का और डीवी देखो वो रहे, अब इनकी थोड़ा फोटो वोटो खींच देता हूँ। अभी हम लोग मंदिर का एक राउंड मार रहे हैं, तो आप ये देखो मंदिर का बैक साइड की व्यू कितना सुंदर लग रहा है। नारियल तो हो नहीं है, देखो कितने सारे नारियल लगे हुए हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो बाप बेटी इंजॉइंग। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं वापस मंदिर से, उसके बाद थोड़ा मॉल गए थे, वहाँ से सामान वामान खरीद लिया पूजा का और मतलब घर का भी थोड़ा बहुत, क्योंकि निक्का बनाने वाले वाइट सॉस पास्ता। आप देखो कब तक बनता है। और घर आते देखो बेबूस हो गई, बेबूस हो गई और निक्का को देखो। फटाफट से खाना बनाती हूँ, मैं बनाऊँगा खाना, मैं अभी देखना दिखाता हूँ, मैं बनाता हूँ खाना। ये नहीं बनाती है भाई, झूठ बोल लिए मैं बनाता हूँ। तो गाइज़ खाना पीना मेरा मतलब खाना बन चुका है, मैंने बनाए हैं छोले और खीर मैंने बनाई है। ये रही मेरी पूरी, अब हम फटाफट से खाते हैं। पापा बेटी खाएंगे। और देखो इन दोनों ने खाना भी स्टार्ट कर दिया, खाना खाना। थैंक यू, बोले थैंक भी दिया। सो गाइस अब हम लोग फटाफट से खाना वाना खाएंगे। इट्स ओके पंखा चल रहा कह रहे हैं, पीछे से कोई नहीं चलता है। तो अब हम लोग फटाफट से खाना पीना खाएंगे। तो ये थी हमारी नवरात्रि, पहली नवरात्रि हमारी ऐसी थी, काफ़ी मजा आया, अच्छा लगा मंदिर जाके। मतलब बहुत की पहली नवरात्रि हमारे साथ, मंदिर जाके हमें काफ़ी रिलैक्स मिला, शांति मिली, अच्छा लगा। अब यहाँ देखो मेरी बहुत आतंक करने लग गई है भाई, कुछ चीटी हो रही है। सो हमारा व्लॉग बस यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।